गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कैटलिस्ट, जिसे हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। यहाँ पर इसका मतलब है ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आप कोई भी सब्सटेंस का प्रयोग करो जो उस अभिक्रिया को बढ़ा दे, घटा दे, बट उसमें कोई चेंज ना हो, उस सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहते हैं। फिर समझिए, दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट इट्सेल्फ रिमेन अनचेंज इज कॉल्ड कैटलिस्ट। वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की दर को बढ़ा दे, घटा दे, बट उनमें खुद में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, कैटलिस्ट कहलाते हैं। जैसे KCl3 पोटेशियम क्लोरेट को MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर MnO2 क्या है, आपका कैटलिस्ट है, तो आपको KCl और O2 मिलता है। नेक्स्ट है निकिल की उपस्थिति में वेजिटेबल ऑयल को में हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में वेजिटेबल घी का निर्माण होता है। तो इन दोनों रिएक्शन में आपके निकिल और MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड दोनों ही कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। अब कैटलिस्ट को टाइप्स में स्टेट के आधार पर, स्टेट मतलब अवस्था के आधार पर बांटा गया है, फिर एक्शन के आधार पर भी बांटा गया है, और फिर लास्ट में आपका इन दोनों के पढ़ने के बाद अदर पार्ट है। तो कैटलिस्ट टाइप्स इन द बेसिस ऑफ स्टेट, अवस्था के स्तर, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस। आप लोगों को पता है होमोजीनियस मतलब एक जैसे, तो व्हेन कैटलिस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन फिजिकल सेम फिजिकल स्टेट, मतलब जब आपका रिएक्टेंट और आपका कैटलिस्ट और इनसे बनने वाला प्रोडक्ट की अवस्था सेम हो, जैसे सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, तो वो कहलाता है होमोजीनियस कैटलिस्ट। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ है मिथाइल एसीटेट और सल्फर डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, ये तभी आपका इक्वेशन सही होगी जब आप इसमें कैटलिस्ट लिखेंगे। आपने रिएक्शन सही लिखी और कैटलिस्ट लिखना भूल गए, रिएक्शन इज रॉन्ग। ठीक है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जिनमें कैटलिस्ट रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, मतलब इनके आपके रिएक्टेंट और आपके कैटलिस्ट की अवस्था अलग अलग हो, लाइक सॉलिड लाइक लिक्विड। ठीक है, ठीक है, तो हम होमोजीनियस तीनों सेम हो, हेट्रोजीनियस जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों अलग अलग हो। अब आता है एक्शन के काम में, मतलब क्रिया के आधार पर कैटलिस्ट के पार्ट है पॉजिटिव नेगेटिव ऑटो बायो कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है आपका, द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसा कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, 1 to 2, नेगेटिव जो रेट को घटा दे। फिर आपको बता रही हूँ कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रेट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और जब आप कैटलिस्ट को लिखोगे तो कैटलिस्ट लिखना आपको बहुत ज़रूरी है।